सो इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। सो इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं इस सीरीज में, उसमें हमने फंक्शन डिस्कस किया है, स्लोप ऑफ अ लाइन डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा जो डिफरेंशिएशन का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरह से जो पोजीशन होता है, वो अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उस सिचुएशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो डेरिवेटिव होता है या स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राफ होता है, वो हमें किस तरह से स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू निकाल कर देता है। तो ये तो हमने किया था डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्टरी वीडियो में, और यहाँ पर हम लोग अब इसको प्योरली मैथमेटिकली डील करेंगे और ये देखेंगे कि डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। सो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन या डिफरेंशिएशन, सो फंक्शन यहाँ पर होना ज़रूरी है। सो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की जब बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन कंसिडर करना होगा। तो लेट्स से वी कंसिडर अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी ये एक जनरल फंक्शन हो सकता है, और जैसे कुछ भी हो सकता है, लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स, ऐसा कोई भी एक जनरल फंक्शन हो सकता है। सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव या डी बाई डी एक्स ये क्या होने वाला है, उसे देखते हैं। सो सबसे पहले इस फंक्शन को हमें प्लॉट करना पड़ेगा। लेट अस से इसको हम लोग इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं कि ये फंक्शन है इस तरह से। सो दिस इज आवर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस बना लिया है और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस। सो अगर हमको इसका स्लोप पता करना है किसी एक पॉइंट पर, तो वो किस तरह से करते हैं। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स, ये हमारा पॉइंट हो गया एक्स। यहाँ पर फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी एंड दैट विल बी गिवन बाई एफ ऑफ एक्स। ये वैल्यू दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स से। और इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, विच इज़ एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, तो स्लोप निकालने से पहले हम लोग निकाल लेते हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए दो क्वांटिटीज चाहिए कि एक्स में क्या चेंज आ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग वाई में क्या चेंज आ रहा है। ये जो रेशियो होता है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का, ये जो रेशियो होता है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का, उसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन फॉर दिस एंटायर रेंज डेल्टा एक्स, वो हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा कंप्लीट रेट ऑफ चेंज। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। डेल्टा वाई होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये हो गया चेंज इन वाई, एंड दैट डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स हमारा है डेल्टा एक्स। तो ये जो क्वांटिटी हमने निकाली है, ये तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक के रेंज के लिए ये कंप्लीट रेट ऑफ चेंज है। और बेसिकली इस क्वांटिटी को अगर हम लोग देखें, तो ये क्वांटिटी क्या होने वाली है, ये होने वाली है कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ये जो स्लोप बना रहा है थीटा, तो उसका टैन थीटा इस क्वांटिटी से मिलेगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, वो ये लाइन का स्लोप ना होके वो होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसका स्लोप। तो यहाँ पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका जो स्लोप है, तो इसका स्लोप लेट अस से हो जाता है अल्फा, इसका एंगल हो जाता है। सो टैन अल्फा विल बी गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स। सो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स को लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स, विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स उसे लिखा जा सकता है लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इसमें जब लिमिट लगा देते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो उससे क्या हो जाता है उसे समझते हैं। जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, तो ये वाला जो
इंटरवल है ये बहुत ही छोटा होता जाएगा, ये जो डेल्टा एक्स वाला इंटरवल है ये बहुत ही छोटा होता जाएगा, और इस वजह से ये जो सेकंड पॉइंट है ये इसके बिल्कुल पास आता जाएगा। और ऐसा होने से ये जो लाइन हमने बनाई थी स्लोप के लिए, ये जो लाइन बनी थी जो इस ये वाली लाइन, तो इस लाइन ये वाली लाइन क्या होती जाएगी, जैसे जैसे ये वाला पॉइंट जैसे जैसे इसके करीब आता जाएगा, ये लाइन फाइनली जो है इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बन जानी है, और उसी का जो एंगल है अल्फा एक्स एक्सिस है तो उसी का टैन अल्फा इस क्वांटिटी से मिलने वाला है। सो ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है फॉर स्लोप ऑफ अ फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर एक्स, और इसी चीज़ को डीवाई बाई डी एक्स लिखते हैं, या इसी को एफ डैश एक्स भी लिख दिया जाता है। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक फंक्शन अज्यूम करना है विच इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ एन स्क्वायर, और जिसका इनपुट वैल्यू होना है साइड ऑफ द स्क्वायर, ये वो फंक्शन होगा। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विच इज़ कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है जब उसकी साइड जो है 2 मीटर है। इसके अलावा हमें ये भी सॉल्व करना है कि चेंज इन एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जब साइड जो है 2 मीटर से 2.01 मीटर होता है विथ एंड विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन बना लेते हैं कि जो फंक्शन होगा एरिया का, सो दिस एरिया विल बी गिवन बाई, एरिया विल बी गिवन बाई स्क्वायर ऑफ द साइड, जो साइड होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो होता है एरिया। और अब चलते हैं कि जो डेरिवेटिव है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो डेरिवेटिव ने निकाल के रखा है, डेरिवेटिव होती है ये क्वांटिटी लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स दैट डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो है एरिया। सो हमें निकालना था डी ए ओवर डी एक्स। सो ये क्वांटिटी निकाल करनी है लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ एरिया एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एरिया फॉर एक्स एंड दैट डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सो एरिया की वैल्यू जब इनपुट वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा तो उस केस में ये कितना होने वाला है, सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो आउटपुट मिल जाएगा एरिया का, वो हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब डालेंगे तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा एंड दैट डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसे सॉल्व करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये क्वांटिटी को पहले ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं। सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा ये जो डेल्टा एक्स है सो डेल्टा एक्स का ये एक टर्म इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये बच जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे ये डेल्टा एक्स प्लस 2x। सो जो डी ए बाई डी एक्स हम जो निकाल रहे थे वो क्वांटिटी फाइनली आने वाली है डी ए बाई डी एक्स, जो हम लोग निकाल रहे थे डी ए बाई डी एक्स, ये क्वांटिटी आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ दिस डेल्टा एक्स प्लस 2x। सो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x, और आप देखेंगे जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो इस वाली क्वांटिटी को हम डायरेक्टली ज़ीरो कर देंगे, तो खाली ये बच जाएगा डी ए बाई डी एक्स बच जाएगा डी ए बाई डी एक्स, ये हो जाएगा सिंपली 2x। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव और पहले पार्ट का आंसर। सो ये पार्ट ए का आंसर हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स इज नथिंग बट 2x। सो जब साइड 2 मीटर्स है तो डी ए बाई डी एक्स, यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स की जगह हमको पुट करना पड़ेगा, इसमें खाली वैल्यू पुट करनी है किसकी, एक्स की, और वो बराबर 2 पुट करेंगे। सो डी ए बाई डी एक्स ये होना है 2 × x की जगह डाल देंगे 2, तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4। तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा पार्ट ए का ही। अब चलते हैं पार्ट बी में। सो पार्ट बी में हमसे पूछा है
चेंज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर, चेंज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन साइड चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर टू 2.01 मीटर। सो डायरेक्टली चेंज ऑफ एरिया निकाल लेते हैं डेल्टा ए। सो डेल्टा ए होता है ए एट 2.01 मीटर माइनस एरिया एट 2 मीटर। सो ये निकालेंगे तो ये निकल के आएगा डेल्टा ए बराबर 2.01 का स्क्वायर। जब एरिया इतना हो जाए, जब साइड 2.01 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये उस समय का एरिया आएगा माइनस 2 स्क्वायर। सो ये क्वांटिटी हो जाएगी 2.01 का स्क्वायर करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 4.0401 माइनस 4 और इस 01 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये लगभग आएगा 0.04। सो ये आ गया चेंज इन एरिया व्हेन साइड चेंजेस फ्रॉम 2 to 2.01। लेकिन इसी चीज़ को यूजिंग डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, ये तो हमने बिना डेरिवेटिव यूज़ के निकाला। तो यूजिंग डेरिवेटिव अगर इसे निकालने जाएं, सो डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स, इसे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली डी ए बाई डी एक्स लिख सकते हैं। कब? अगर हमारा डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स अगर स्मॉल है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल है, डेल्टा एक्स है 0.01। तो यहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है और डेल्टा ए को फाइनली लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स इंटू डी ए ओवर डी एक्स। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, डेल्टा एक्स है 0.01, जैसा आप देख पा रहे हैं 2 मीटर से 2.01 मीटर जा रहे हैं तो डेल्टा एक्स हो गया 0.01 एंड दैट इंटू डी ए बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, हमने यहाँ पे निकाल रखा है 4, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 4, तो अगेन ये आ जाएगा 0.04। तो आप देख सकते हैं डेरिवेटिव का भी यूज़ करके इस क्वांटिटी को निकाला जा सकता है और डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। सो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस।